नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने ये अपने भतीजे के लिए जैकेट जैसा स्वेटर बनाया है। पीछे डिजाइन डाली है। ये मैंने डिजाइन कैसी डाली है ये सभी मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये पॉकेट बनाई है, एक दो तीन चार, चार पॉकेट बनाई है। ये 7 से 8 साल के बच्चे का स्वेटर है। ये कॉलर, कॉलर में मैंने 130 फंदे डाले हैं। मुड्डे में 90 फंदे, मुड्डे में 90 फंदे। दोस्तों जब भी हम हाफ स्वेटर बनाते हैं तो इसमें जो इतने फंदे होते हैं उसका आइडिया ये होता है, जितने हमारे बॉर्डर में फंदे होते हैं उतने ही हमें मुड्ढे में फंदे उठाने होते हैं। 90 फंदे बॉर्डर में हैं, 100 ऊपर कर लिए हैं मैंने, और उनमें 50 फंदे की एक जेब, 50 की एक जेब, और अंदर इसके अस्तर लगा दिया। जेब बुनी नहीं है मैंने। बैक से फ्रंट के फंदे में, पर्दे में ज़्यादा फंदे होते हैं, और ये 20-20 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, काज पट्टी और बटन पट्टी। तो ये मेरा स्वेटर, मेरे भतीजे का स्वेटर है। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों वन पीस ये है, ये पॉकेट बनाई है ऐसे ही। दूसरा ये है, ये बटन पट्टी है, और दूसरे की ये है। अब ये पॉकेट बन गई है, और इनके लिए ये मैंने अस्तर बनाया है। जैसे इसमें ये सिल दिया है,
दोस्तों वन पीस ये है, ये पॉकेट बनाई है ऐसे ही, दूसरा ये है, ये बटन पट्टी है और दूसरे की ये है। अब ये पॉकेट बन गई है और इनके लिए ये मैंने अस्तर बनाया है। जैसे इसमें ये सिल दिया है ऐसे ही इसको हम इस तरह से सिल देंगे। ये बुनाई मैंने कैसे डाली है वो मैं डाल के दिखाती हूँ। तीन फंदे हमने उल्टे ले लिए और एक फंदे पर एक जाली बनाई और फिर इधर से दूसरी जाली, एक के तीन कर दिए और फिर तीन फंदे फिर उल्टे, उसके बाद फिर एक पर जाली फिर एक के तीन फिर तीन उल्टे लेने और एक फंदे के तीन करने हैं। जाली आगे को इस तरह से करके और ऐसे ले लिया फिर तीन, तीन फंदे उल्टे और एक फंदे के एक सीधे फंदे के तीन फंदे करने हैं।